और हाँ दोस्तों, पता क्या है, ये माइक ना थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। मैंने अभी चेक किया तो मैंने अभी तक जो जो बातें बोली हैं तो आगे मतलब थोड़ा आवाज़ साफ नहीं आ रही, तो एडजस्ट कर लेना बस। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवानी मूवी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 8:30। तो दोस्तों, आज ना मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ना मेरे ब्लॉग में मतलब वीडियोस में व्यू ही नहीं आ रहे। सच में बहुत बुरा लगता है जब व्यू नहीं आते। चलो 100 बार व्यू जाते थे तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब 100 बार भी नहीं जा रहे तो मन नहीं कर रहा मेरा वीडियो बनाने का। बट क्या करें, बनानी पड़ रही है। मतलब एक बोलते हैं ना, मजबूरी मजबूरी हो रखी है, क्योंकि इतनी मेहनत कर ली और लास्ट में मैं ऐसे बीच में वीडियो बनाना छोड़ दूँ, ये तो गलत है। क्योंकि मेरा चैनल ना मोनेटाइज हो चुका है तो बस फाइनली, बट क्या करें, मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो दोस्तों, वैसे हर किसी को अपनी किस्मत ख़राब ही लगती। तो दोस्तों, मेरे को ना यूट्यूब पे 2 साल पूरे होने वाले हैं। सच में मतलब जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि यार मैं चैनल बनाऊंगी और मतलब सही ग्रो कर जाएगा, वैसे किया अभी मेरा चैनल सही से। मतलब बीच में सही चल गया था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, व्यूज़ डाउन 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 डाउन, इतने डाउन हो गए कि 50 भी बहुत मुश्किल से आते हैं। वो तो मुझे ही पता है मैं कैसे कैसे करके मतलब अपने व्यू बनाती हूँ। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि जैसे आप मेरी वीडियो देखते हो ना, तो अगर देखनी हो तो पहले पूरी देखो, और पूरी नहीं देखते तो अगर 10 मिनट की वीडियो है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट देख लिया करो, और इतनी भी नहीं देखने तो ओपन ही मत किया करो। और जो लोग ये बिना वीडियो देखे मतलब कमेंट करते हैं ना, तो उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत किया करो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि ऐड चल रहा होता है, और कुछ लोग के मतलब ज़्यादातर जो लोग जो लोग वीडियो बनाते हैं तो वही लोग ऐसा करते हैं कि कमेंट कर, ऐड चल रहा होता है, वीडियो नहीं चलती, वेरी नाइस ये वो, और वीडियो मतलब बिना चले ही 1-2 सेकंड चलती है, और उसके बाद वेरी नाइस वगैरह वगैरह जो भी होता है कमेंट करके और साइड हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ ऐसा मत किया करो। भले ही तुम वीडियो ना देखो, बट ऐसे आधे के 1-2 सेकंड की वीडियो चला के और तुम ऐसे कमेंट करके जो हमारी मेहनत होती है ना उसे ख़राब कर देते हो, और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ऐसा करने से ना जो वीडियो की परफॉर्मेंस होती है वो ख़राब हो जाती है, मतलब आगे लोगों तक नहीं पहुंच पाती वीडियो। तो अगर आप लोग को नहीं देखनी तो ऐसे मत किया करो यार। अब कोई इतनी मेहनत करता है और आप लोग ऐसे करते हो तो अच्छी बात नहीं है। और मेरी वीडियो, सबसे बड़ी बात पता है क्या, सब्सक्राइबर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग कम देखते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो लोग ज़्यादा देखते हैं। तो सच में मतलब जब मैं सोचती हूँ ना कि यार इससे अच्छा सब्सक्राइब ही क्यों किया, ये भी मत करो, क्योंकि आजकल तो सब्सक्राइबर वैसे भी मिल जा रहे कि हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं, शॉर्ट वायरल हो गई तो सब्सक्राइबर ही सब्सक्राइबर। मेरे तो मतलब जो 1,000 सब्सक्राइबर है ना वही रियल है, बाकी तो 200-300 सब्सक्राइबर मेरे सारे शॉर्ट से हुए हैं, जो शॉर्ट वीडियो डालती हूँ मैं। तो बस मुझे लगता है मैंने यही गड़बड़ की कि मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियोस डाली। क्योंकि पता क्या, तो दोस्तों मेरा ना 2-3 दिन से मतलब चैनल पे ऐसे ही चल रहा था, गड़बड़ गड़बड़। तो मैं चेक कर रही थी यूट्यूब पे कि मतलब व्यूज़ डाउन क्यों हो रहा है। तो एक वीडियो देखी मैंने कि उसमें मतलब ये बता रहे थे कि जैसे हमारा ब्लॉग वाला मतलब लॉन्ग वीडियो वाला चैनल है और हम उसमें शॉर्ट वीडियो डालते हैं, तो जो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो वो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देखने वाले होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी लॉन्ग वीडियो होती है तो वो उन तक पहुंचती है लेकिन वो देखते नहीं है, तो इससे मतलब जो वीडियो की परफॉर्मेंस होती है वो भी ख़राब होती है। तो इससे अच्छा अगर आपको शॉर्ट वीडियो डालनी है तो अपने व्लॉग से रिलेटेड, अपने मतलब जो जो भी है वीडियो से रिलेटेड डालो। और जैसे अगर आपका व्लॉग चैनल है और आप उसमें ऐसी कुछ भी वीडियो डाल रहे हो तो इससे चैनल को नुकसान ही है। तो बहुत से लोग कर रहे हैं ऐसा, और बहुत से लोगों का यही है कि हमारी वीडियोस पे व्यू क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत से लोग मतलब जो मेरे यूट्यूब पे फ्रेंड लोग हैं तो उन्हीं के देखे थे मैंने, 1-2 थे, तो उन्होंने बोला था कि हमारे व्यू नहीं आ रहे, व्यू नहीं आ रहे। तो यही रीज़न है, क्योंकि मैंने भी देखा मेरे चैनल पे इसी वजह से हुआ।
और दोस्तों आजकल ना मेरे चैनल पे मतलब 100 पार भी वो नहीं जा रही, मतलब बहुत परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ दोस्तों हेल्प, मतलब अगर आप लोग मेरी वीडियो देखोगे, आप शेयर नहीं करनी कोई नहीं, बट पूरी देख लो, कमेंट कर लो। और ये वीडियो स्पेशली मतलब मेरी उन लोगों के लिए है जो मेरे अपने हैं, अपने मतलब मेरे फ्रेंड रिश्तेदार सब जो भी हैं, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाया है। सच में मतलब आप लोगों ने मेरी शुरू से मेरी वीडियोस देखी तो तभी हो पाया, नहीं तो आप लोग नहीं देखते तो कैसे होता है ना। तो बस जैसे अभी तक आपने वीडियो देखी, आप भी देखते रहना, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बना पाऊँ। पता क्या, आप लोग समझ सकते हो कि भाई गांव की बात कुछ और थी और यहाँ की बात कुछ और है, क्योंकि गांव में तो ये होता है कि हम कहीं भी बाहर मतलब घर से बाहर निकल जाए वीडियो बन जाएगी गांव, और गांव के व्लॉग लोग देखते भी, और यहाँ घर में रोज का एक ही काम है हमारा। और दोस्तों गांव में तो ये होता है कुछ ना कुछ अलग होता ही रहता है, और यहाँ क्या है, यहाँ सुबह उठो अपना काम धाम करो जो भी है, झाड़ू पोछा करो, बर्तन वर्तन खाना पीना और कपड़े वपड़े जो भी है, मतलब रोज का एक ही होता है, तीनों टाइम का खाना खाओ बनाओ बर्तन धो सो, फिर सुबह उठो फिर वही काम। तो अब एक ही चीज़ बार 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 भी नहीं दिखा सकते, और 2-3 दिन तो मैंने वही चीज़ें रिपीट की क्योंकि मेरे पास कुछ होता ही नहीं है व्लॉग में दिखाने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट, अपना सपोर्ट बनाए रखना, और प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे, क्योंकि अब मैं ऐसे मतलब छोड़ नहीं सकती वीडियो बनाना। तो बस मेरी परिस्थिति को समझिए और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग क्या करते हो कि मतलब आजकल क्या है कि ना ज़्यादातर लोग मतलब हम भी यही करते हैं कि टीवी में किसी का व्लॉग देख लिया, फिर मतलब सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं टीवी में देख लेते हैं फिर उसके बाद अपने फ़ोन में रह जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसा करते हो तो प्लीज़ अगर आप लोग टीवी में देख रहे हो तो अपने फ़ोन में भी ज़रूर देखें, ताकि मेरे व्यू बढ़े और हो सके तो पूरी वीडियो देखें प्लीज़ दोस्तों। सच में मतलब जब किसी चीज़ को करो और उसमें मतलब सक्सेस ना मिले तो ऐसा, और अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करती हूँ। मतलब कुछ लोगों को लगता होगा ना कि व्लॉग बनाते हैं फालतू की वीडियो बना देते हैं ऐसे ही कुछ भी, तो सच में व्लॉग बनाना ऐसे ही नहीं है। अब जो लोग सोचते हैं ना, सोचते होंगे ना कि क्या करते रहते हैं पागलों की तरह बड़बड़ करते रहते हैं, एक बार आप खुद मतलब कैमरे के सामने बोल के देखिए तब पता चलेगा। बोल के देखिए, और हम तो चलो सबके लिए भेजते हैं ये वीडियो, आप अपने एक दो रिश्तेदारों को ही भेज दो, हम मान जाएंगे कि हाँ भाई आप में भी मतलब आप ये बोलोगे कि मतलब अपनी तारीफ करिए कि टैलेंट, मतलब एक तरीके से मतलब होता है ना, कुछ लोग नहीं कैमरे के सामने नहीं बोल पाते नहीं बना पाते वीडियो, तो भाई ये भी एक टैलेंट ही है ना। अब मानने वालों के लिए है, नहीं मानने वालों के लिए नहीं है। तो दोस्तों व्लॉग बनाना भी सच में मतलब वीडियो बनाना व्लॉग जो भी है, डेली व्लॉग हो गया जो भी हो गया, मतलब आसान नहीं है, क्योंकि पहले सोचना पड़ता है किस चीज़ पे वीडियो बनाए, फिर उसके बाद वीडियो बन रही है तो ठीक, और जैसे वीडियो बना ली फिर उसके बाद एडिटिंग करो, एडिटिंग में भी आधा एक घंटा चला जाता है। तो दोस्तों जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ सुबह से शाम तक जो भी होती है, फिर उसके बाद मतलब दिन भर में तो टाइम मिलता नहीं है वीडियो एडिट करने का, फिर रात को करती हूँ, रात को मैं मतलब जब प्रतीक भी सो जाता है तब करती हूँ मैं, क्योंकि फिर वो एडिट नहीं करने देता। तो लगा लो 12 बजे, 11-12 बजे वो सोएगा तो मैं तब वीडियो एडिट करती हूँ, एडिट करते करते 1 बज जाते हैं। तो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर क्या करें, मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा, तब मन नहीं करता है कुछ भी ऐसी मेहनत करने का। अगर आपको मेरे अभी के व्लॉग पसंद नहीं आ रहे तो मेरे पुराने व्लॉग हैं, मतलब अब लगा लो मेरे को 2 साल होने वाले हैं, तो 2 साल में मेरी 300-400 वीडियो हो ही गई है। तो 300-400 में से यार ऐसा तो हो नहीं सकता आपको एक भी वीडियो पसंद आए, कोई ना कोई तो आएगी। तो जाइए और देखिए, और हो सके तो लाइक करें शेयर करें, और अगर शेयर करने लायक हो तो शेयर भी कीजिए, और अगर आप लोग कमेंट करोगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि कुछ लोग करते हैं मेरी वीडियो में कमेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू जो लोग कमेंट करते हैं, और उनको भी थैंक यू जो देखते हैं, और उनको भी थैंक यू वैसा वाला थैंक यू जो आदि देके छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज ना मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी पहले तो अपने घर वालों को,
जिन्होंने आज तक मुझे मतलब रोका नहीं इन चीज़ों के लिए, रोक टोक नहीं की, क्योंकि होता है ना कुछ लोग की नहीं बनानी वीडियो, चाहे मायके से हो चाहे ससुराल से हो, तो दोनों तरफ से मुझे सपोर्ट मिला है वीडियो बनाने के लिए, बट वैसा वाला सपोर्ट नहीं मिला इन लोगों की तरफ से कि हाँ हम तेरी वीडियो शेयर करेंगे, बोल बोल के शेयर करवाती हूँ मैं सबसे, तो अगर ऐसा वाला भी मिलता तो अच्छी बात थी, बट कोई नहीं। और पहले मेरे घर वाले, फिर उसके बाद मेरे सभी रिश्तेदार, क्योंकि वो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, और उसके बाद मेरे गांव वाले, सच में मतलब क्योंकि और कोई नहीं देखेगा मेरी वीडियो, बट मेरे गांव वाले जरूर देखते हैं मेरी वीडियो, बस और कैसे ही है ना। तो मेरे घर वालों का, मेरे रिश्तेदारों का और मेरे गांव वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उन लोगों की वजह से मेरा चैनल मोनोटाइज हो पाया, क्योंकि भले ही मेहनत मेरी है लेकिन उन लोगों ने मेरे मतलब वीडियोस देखी, कुछ लोग शेयर भी करते हैं और कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अगले साल जब गांव आऊंगी तो फिर से आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगी। तो गांव से मैं जो जो वीडियो बना के लाती हूँ ना, मतलब जितने भी मेरे ब्लॉग हैं, तो मैं वहाँ तो बस बनाया एडिट किया रो, फिर उसके बाद जब यहाँ आती हूँ तो यहाँ के देखती रहती हूँ, मतलब पहले इतना लगाव नहीं था अपने मतलब घर वालों से, गांव वालों से, लेकिन अब मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब जब जाओ तो खुशी, और फिर आते टाइम मतलब मन नहीं करता आने का, तो क्या करें, तो बस और कुछ नहीं, बस यादें रह जाती हैं, है ना, क्योंकि अब जिंदगी ऐसी हो गई है कि आजकल का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए क्या, तो ये है कि वीडियो के जरिए मतलब हमारे पास यादें रह जाती है कि हाँ भाई कभी जिंदगी ऐसी भी थी हमारी, तो बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग में इतना ही, और मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में।